लड़के लड़कों की अपनी जिंदगी बहुत जोखिम में है, और कमला भसीन से मैंने ये सीखा था कि महिलाएं बहुत हिंसा का शिकार हो रही हैं, क्योंकि पुरुष बहुत हिंसा का शिकार हो रहे हैं। पुरुष अपने ऊपर इतनी हिंसा करते हैं, उनकी जिंदगी कमाने के अलावा और कोई जिंदगी नहीं बची है। तो वो अगर बदलाव नहीं आएगा तो महिलाओं की हिंसा कम नहीं होगी, उनके मर्दानगी का जो एक पूरा धारणा है उसी को बदलनी पड़ेगी, जो बहुत खोखला खोखली धारणा है। तो उसको बदले बगैर जो है हम हिंसा पे बहुत आगे शायद नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जोखिम को मैनेज करना हमको सिखाना पड़ेगा, हमारे जितने खेल हैं उन सब को पे प्रश्न खड़ा करना होगा। ये सारे खेल कंपटीशन वाले क्यों हैं? हम कोलेबरेशन वाले खेल क्यों नहीं बनाते? हम अगर गुड़ियों के खेल क्यों नहीं बनाते? हम बंदूक से खेलना अगर नहीं रोकेंगे, हमारी पिचकारियां होली आ रही है बंदूक से खेली जाएंगी, तो बंदूक हिंसा करना और डराना सिखाएगी, कभी प्यार करना नहीं सिखाएगी। तो इस पे एक बड़ा प्रश्न करना होगा। और होली आ रही है, हम लोग कई बार बुरा न मानो होली है पे कंपेन किए थे, जिसमें कि आप डेरोगेटरी गाने बजाते हैं, आप डिग्रेड करते हैं, आप ना को नहीं सुनते हैं, और आप एक महिलाओं का एक यौनिक वस्तुकरण जिसको करते हैं, कम्युनिटाइजेशन बनाते हैं। इन सब पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा करना है। और ओवरऑल हमको जो पुरुषों के साथ लड़कों के साथ काम करते हैं, नो मोर वायलेंट टॉयज एंड नो मोर वायलेंट बॉयज के हमको एक विश्वास सामने फ्रंट पे रखना होगा। ये आप लोगों की जो संघर्ष है, जो काम है, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। मैं खुद प्रभावित हूँ, मैं आप लोगों के काम से सीख रहा हूँ। लेकिन ये प्याज है, ऊपर की परत छिली है और नीचे अंदर फिर से प्याज दिख रही है। तो हमको लगातार, मैं तो पिछले 40 साल से कर रहा हूँ और मुझे लक्ष्य अपना गोल जो है फिर भी दूर ही दिख रहा है। तो शायद आप लोगों को भी लॉन्ग टर्म भी साथ में सोचता रहना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया इन प्रश्नों को रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश।